Hello, I welcome you all once again to my channel Explore Education. I am Dr. Rashmi Singh, Assistant Professor, Department of Education, SS Khanna Girls Degree College, University of Allahabad. And after discussing various types of correlation and correlation coefficient, this time I am going to discuss regression and prediction. It is the last topic of the this unit, and the lecture will be in bilingual mode, and it must be useful and it must be beneficial for all of you. So, first of all, introduction. देखिए, शुरू हमने कहाँ से किया था? हमने शुरू किया था descriptive statistics से. मतलब, actually ये जितना भी हम अभी तक पढ़ रहे थे, वो सब descriptive statistics का हिस्सा है. बाद में एक descriptive statistics पे अलग से बात हो जाएगी. वैसे मैंने एक पहले भी वीडियो आपसे शेयर किया था, difference between descriptive statistics and inferential statistics, I think. तो आप वहां से भी देख सकते हैं. तो वहां से बात हुई कि बात शुरू कहां से हुई थी कि भाई स्टैटिस्टिक्स जो है वो साइंस ऑफ डेटा है, और वो सारा डेटा जिसमें वो सारी स्टैटिस्टिक्स जो हमको डेटा के डिस्क्रिप्शन के बारे में बताती है, वो डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स के अंतर्गत आती है. मतलब वर्णनात्मक सांख्यिकी है ना, और उसमें केंद्रीय प्रवृत्ति की मापे हैं. फिर केंद्रीय प्रवृत्ति की मापे हमको ये तो बताती थी कि केंद्र के पास कितना डेटा है, उसका माध्य क्या है, औसत क्या है, पर ये नहीं बताती थी उसका विसरण, उसका वितरण किस प्रकार है, आउटलायर्स हैं कि नहीं, एक्सट्रीम वैल्यूज के बारे में कुछ भी नहीं बताती थी. तो हमें जरूरत पड़ी मेजर्स ऑफ वेरिएबिलिटी की, जिसमें आया परास, आया रेंज आई, जिसमें हमने डेविएशन पढ़ा कि जो डेटा है वो कितना विचलन कर रहा है. तो डेटा में एवरेज डेविएशन, क्वार्टाइल डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन. फिर कहा गया कि ठीक है, डेटा के बारे में तो पता चल गया, डेटा के विसरण वितरण के बारे में भी पता चल गया. ये नहीं पता चल पा रहा है कि अगर दो वेरिएबल हम स्टडी करना चाह रहे हैं तो आपस में क्या उनमें कोई सहसंबंध है, ये जानने के लिए हमने कोरिलेशन पढ़ा. फिर कोरिलेशन में हमको ये पता चला कि पॉजिटिव हो सकता है कोरिलेशन, या नेगेटिव हो सकता है, या जीरो हो सकता है, यानी कि एक चर बढ़ेगा. ये सब बार बार मैं आपसे रीकैप इसलिए कर रही हूँ कि आप तार जोड़ते हुए चले कि एक चर बढ़ने से दूसरा चर बढ़ रहा है तो पॉजिटिव है, अगर घट रहा है तो नेगेटिव है, और अगर दोनों चर एक दूसरे से पे कोई डिपेंडेंसी नहीं है तो जीरो कोरिलेशन है. फिर बात हुई कि भाई कोरिलेशन कोफिशियंट की जरूरत इसलिए पड़ी कि स्ट्रेंथ ऑफ कोरिलेशन, आपको ये तो पता चले कितना मजबूत है ये सहसंबंध, तो वो गुणांक से पता चला. फिर कहा गया कि भाई ये सिर्फ माइनस वन से प्लस वन हो सकता है, कि माइनस वन तब होगा जब पूरी तरह से परफेक्टली नेगेटिव कोरिलेशन होगा, और प्लस वन तब होगा जब परफेक्टली पॉजिटिव कोरिलेशन होगा. इसका मतलब इसके बीच में ही इसकी वैल्यू आनी है. फिर भी कोरिलेशन कोफिशिएंट ने हमें एक चीज नहीं बताई. क्या नहीं बताई? उसने ये तो बताया कि दो वेरिएबल्स एक दूसरे से सहसंबंधित हैं कि नहीं, पर उसने ये बताने में अक्षम रहा कोरिलेशन कि कौन सा वेरिएबल है वो कॉज है और कौन सा इफेक्ट है, यानी कि कौन सा कारण है और कौन सा उस पर प्रभाव है. इसके लिए हमको रिग्रेशन एंड प्रेडिक्शन की जरूरत पड़ती है. तो इतना इसके पीछे बैकग्राउंड था. देखिए क्या कह रहा है कि कोरिलेशन कोफिशिएंट डज नॉट रिफ्लेक्ट कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स. भाई कोरिलेशन कोफिशिएंट हमको गुणांक ये तो बता देता है कि इतना मजबूत इनका रिश्ता है, सहसंबंध है, लेकिन ये नहीं बताता कि किसकी वजह से किस पर प्रभाव पड़ रहा है, कॉज कौन है, कारण कौन है, उसका प्रभाव किस चर पे है, ये नहीं बताता. दस वी कैन नॉट प्रिडिक्ट द वैल्यू ऑफ वन वेरिएबल फॉर ए गिवन वैल्यू ऑफ द अदर वेरिएबल. इसलिए हम एक एक चर की भविष्यवाणी नहीं कर सकते, प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, पहले से नहीं बता सकते कि दूसरा वेरिएबल इस तरह से होगा तो ये वाला वेरिएबल पे क्या प्रभाव पड़ेगा. दिस लिमिटेशन इज रिमूव्ड बाय रिग्रेशन एनालिसिस. ये जो सीमा है सहसंबंध गुणांक की, जो ये नहीं बता पाता है, उसको रिग्रेशन एनालिसिस से दूर कर लिया जाता है. हर चीज देखिए, रिग्रेशन कोरिलेशन, आप इसको हिंदी में पढ़िए कोई दिक्कत नहीं है, प्रतिगमन और ये सब बहुत मतलब टर्मिनोलॉजी थोड़ी सी अजीब जान पड़ती है, इंग्लिश वाले टर्म्स यहाँ पे इजी जान पड़ते हैं, तो आप उसी का इस्तेमाल कर सकते हैं. तो इन रिग्रेशन एनालिसिस द रिलेशनशिप बिटवीन वेरिएबल्स आर एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ ए मैथमेटिकल इक्वेशन. इसी तरह से रिग्रेशन एनालिसिस में भी जो दो वेरिएबल्स, जो दो चरों के बीच का सहसंबंध है, संबंध है, उसको एक गणितीय समीकरण के द्वारा एक्सप्रेस किया जाता है. इट इज अज्यूम दैट वन वेरिएबल इज द कॉज एंड द अदर इज द इफेक्ट. ये माना जाता है कि एक चर जो है वो कारण है और दूसरा चर उसका प्रभाव है, यानी कि एक का एक चर के बदलने से ही दूसरा चर बदल रहा है, तो कारण की वजह से प्रभाव होता है ना. So, इस तरह से बात की गई है. और क्या कह रहे हैं कि रिग्रेशन इज ए स्टैटिस्टिकल टूल विच हेल्प्स अंडरस्टैंड द रिलेशनशिप बिटवीन वेरिएबल्स एंड प्रिडिक्ट्स द अननोन वैल्यूज ऑफ द डिपेंडेंट वेरिएबल फ्रॉम नोन वैल्यूज ऑफ द इनडिपेंडेंट वेरिएबल. देखिए अब यहाँ पर दो नए वेरिएबल आप पढ़ रहे हैं. वैसे आप वेरिएबल कभी और भी हम लोग बात कर लेंगे, टाइप्स ऑफ वेरिएबल तो बहुत तरीके के वेरिएबल हैं, पर जो मोस्ट कॉमनली यूज किया जाता है वो यही है, डिपेंडेंट और इनडिपेंडेंट, जितनी भी आपकी एक्सपेरिमेंटल रिसर्चेस होती है.
डिपेंडेंट वेरिएबल का मतलब वो चर जो किसी पर निर्भर है, और इंडिपेंडेंट जो स्वतंत्र चर है, स्वतंत्र चर या परतंत्र चर, इस तरह से कह दीजिए, स्वतंत्र चर, निर्भर चर। तो स्वतंत्र चर, इंडिपेंडेंट वेरिएबल तो स्वतंत्र है, उस पर किसी का कोई प्रभाव नहीं है, वो कारण बनता है डिपेंडेंट वेरिएबल में होने वाले प्रभाव का, होने वाले चेंज का। तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल में आप कोई ना कोई मैनिपुलेशन करते हैं, कोई चेंज करते हैं, और उसका इफेक्ट डिपेंडेंट वेरिएबल पे देखा जाता है। यही कहानी पूरी होती है एक्सपेरिमेंटल रिसर्च की। तो वो कह रहे हैं कि रिग्रेशन एक इस तरीके का सांख्यिकीय उपकरण है जो हमको ये मदद करता है, ये रिलेशनशिप जानने में मदद करता है, और प्रिडिक्ट कर सकता है, मतलब हम भविष्यवाणी कर सकें कि डिपेंडेंट वेरिएबल की जो अननोन वैल्यू, जो हमें पता नहीं है कितना बदलेगा, लेकिन हम ये प्रिडिक्ट कर सकें कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल में अगर आप इतना चेंज करेंगे तो डिपेंडेंट वेरिएबल में इतना चेंज हो जाएगा। तो निर्भर कौन है? डिपेंडेंट, इसीलिए इसका नाम डिपेंडेंट दिया गया है। और इंडिपेंडेंट वेरिएबल अपनी वजह से डिपेंडेंट को चेंज करता है, इसलिए इंडिपेंडेंट क्या है? वो स्वतंत्र है, उस पर डिपेंडेंट वेरिएबल का प्रभाव नहीं है। डिपेंडेंट वेरिएबल पे इंडिपेंडेंट वेरिएबल का प्रभाव है। एक बार आप समझ जाएंगे तो इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट का आपको कंफ्यूजन नहीं होगा। अब आया कंसेप्ट ऑफ रिग्रेशन। कह रहे हैं कि रिग्रेशन एनालिसिस में वी हैव टू टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स, वही जो भी आपसे बात हो गई, डिपेंडेंट या इसको एक्सप्लेन्ड भी कह सकते हैं, और इंडिपेंडेंट या इसको एक्सप्लेनेटरी भी कह सकते हैं। वैसे डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट नाम ज्यादा पॉपुलर है, वही जानिए आप। वो कह रहे हैं एज द नेम सजेस्ट, द डिपेंडेंट वेरिएबल इज एक्सप्लेन्ड बाय द इंडिपेंडेंट वेरिएबल। वो कह रहे हैं जैसा कि नाम में ही लिखा है, नाम से ही समझ में आ रहा है कि जो डिपेंडेंट वेरिएबल है, यानी कि जो प्रभावी चर है, जो परतंत्र चर है, जो दूसरे पर निर्भर कर रहा है, उसकी व्याख्या इंडिपेंडेंट वेरिएबल के द्वारा की जाती है। इसीलिए ये भी कभी कभी नामकरण चलता है एक्सप्लेन और एक्सप्लेनेटरी। वैसे ये ज्यादा पॉपुलर नहीं है। इन द सिंपलेस्ट केस ऑफ रिग्रेशन एनालिसिस देयर इज वन डिपेंडेंट वेरिएबल एंड वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल। अगर एकदम हम साधारण, एकदम साधारणतम, सबसे सिंपल रिग्रेशन एनालिसिस की बात करेंगे तो वहां पे सिर्फ एक डिपेंडेंट और एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है। बट जो और कॉम्प्लेक्स रिग्रेशन एनालिसिस होती है उसमें वेयर वन डिपेंडेंट वेरिएबल इज एक्सप्लेन बाय ए नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स, वहां पे डिपेंडेंट वेरिएबल तो एक होता है पर इंडिपेंडेंट वेरिएबल कई सारे होते हैं। लेकिन जो एकदम आप सरलतम रिग्रेशन एनालिसिस की बात करेंगे तो उसमें सिर्फ एक परतंत्र चर है, एक स्वतंत्र चर है। Such a case is termed multiple regression. अगर हम इस तरह से ले लें कि एक dependent है और बहुत सारे independent है, तो आप उसको multiple regression भी कह सकते हैं। In advanced regression models, there can be number of both dependent as well as independent variables. और जो और advanced regression model में अगर हम चले जाएं, तो वहां dependent variable की संख्या भी एक से ज्यादा है और independent की भी एक से ज्यादा है। तो सरलतम में एक एक, मल्टीपल में एक डिपेंडेंट और कई इंडिपेंडेंट, और एडवांस में कई डिपेंडेंट और कई इंडिपेंडेंट भी, ठीक है। अच्छा, फिर अब आप आ जाइए, फिर से एक बार वेरिएबल को समझ लेते हैं। वो कह रहा है कि द वेरिएबल दैट रिसर्चर्स आर ट्राइंग टू एक्सप्लेन और प्रेडिक्ट इज कॉल्ड द रिस्पांस वेरिएबल। देखिए कितने तरीके के नाम हैं। डिपेंडेंट वेरिएबल को ही रिस्पांस वेरिएबल भी कह रहे हैं, डिपेंडेंट वेरिएबल को ही एक्सप्लेन्ड वेरिएबल भी कह रहे हैं, बिकॉज इट डिपेंड्स ऑन अनदर वेरिएबल। चूंकि डिपेंडेंट वेरिएबल दूसरे वाले चर पर निर्भर कर रहा है, इसीलिए इसको रेस्पॉन्स कह रहे हैं, मतलब ये प्रतिक्रिया के रूप में हमको मिल रहा है ना, इसलिए रेस्पॉन्स वेरिएबल भी नाम है। द वेरिएबल दैट इज यूज्ड टू एक्सप्लेन और प्रिडिक्ट द रेस्पॉन्स वेरिएबल इज कॉल्ड द एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल। इट इज ऑल्सो समटाइम्स कॉल्ड द इनडिपेंडेंट वेरिएबल। तो तीन नाम हमको मिल गए, या तो डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट कहिए, या एक्सप्लेन्ड और एक्सप्लेनेटरी कहिए, या रेस्पॉन्स और प्रिडिक्ट प्रिडिक्टिव या प्रिडिक्टर वेरिएबल कहिए, ठीक है। तो कह रहा है कि रिग्रेशन में द ऑर्डर ऑफ द वेरिएबल्स इज वेरी इंपॉर्टेंट। जब आप रिग्रेशन एनालिसिस करते हैं तो उसमें जो चर है उनका क्रम बहुत इंपॉर्टेंट होता है। द एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल और द इंडिपेंडेंट वेरिएबल ऑलवेज बिलोंग्स ऑन द एक्स एक्सिस। देखिए ऐसे ग्राफ बनाते हैं ना, तो x एक्सिस क्या होती है, हॉरिजॉन्टल एक्सिस x एक्सिस होती है, और वर्टिकल एक्सिस y एक्सिस होती है। तो कह रहे हैं कि हमेशा आपको ये हमेशा ध्यान देना होगा, आप इसमें गलती नहीं कर सकते, आप बदल नहीं सकते अपने हिसाब से, कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल हमेशा किस एक्सिस पे आएगा, x एक्सिस पे हमेशा, और हमेशा रेस्पॉन्स वेरिएबल आपका या डिपेंडेंट वेरिएबल y एक्सिस पे आएगा, ठीक है। सॉरी, फिर कह रहे हैं कि उद्देश्य क्या है, हम क्यों रिग्रेशन एनालिसिस करिए।
In statistical analysis, regression is used to identify the associations between variables occurring in some data. वो कह रहे हैं कि हमको जब सांख्यिकीय गणनाएं करते हैं, सांख्यिकीय विश्लेषण करते हैं, तो हम रिग्रेशन वहां यूज करते हैं जहां हमको ये पता करना हो, ये हमको पता लगाना हो कि जो डिफरेंट वेरिएबल्स हैं उनके बीच में क्या एसोसिएशन है. इट कैन शो बोथ द मैग्नीट्यूड ऑफ सच एन एसोसिएशन एंड डिटरमाइन एंड ऑल्सो डिटरमाइन इट्स स्टेटिस्टिकल सिग्निफिकेंस, दैट इज वेदर और नॉट द एसोसिएशन इज लाइकली ड्यू टू चांस. वो कह रहा है रिग्रेशन में हमको ये भी पता चल जाता है कि अगर उनके बीच में कोई एसोसिएशन है तो उसका परिमाण कितना है, मतलब वो कितना मजबूत है, और ये भी पता चल जाता है कि उसकी सांख्यिकीय महत्ता है कि नहीं. इसका क्या मतलब, जब आप टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस पढ़ेंगे तब आप जानेंगे कि जो भी अंतर हमको दिख रहा है या जो भी एसोसिएशन हमको दिख रहा है डेटा में वो एक्चुअली है या वो बाई चांस है, यानी कि किसी त्रुटि की वजह से आपको दिख रहा है. ये अगर मतलब त्रुटि की वजह से दिख रहा है इसका मतलब वो स्टैटिस्टिकली सिग्निफिकेंट नहीं है, बट अगर वो स्टैटिस्टिकली सिग्निफिकेंट है तो इसका मतलब कि एसोसिएशन एक्चुअली है और चांस की वजह से नहीं है. ठीक. और रिग्रेशन इज ए पावरफुल टूल फॉर स्टैटिस्टिकल इन्फरेंस एंड हैज ऑल्सो बीन यूज टू ट्राई टू प्रिडिक्ट फ्यूचर आउटकम्स बेस्ड ऑन पास्ट ऑब्जर्वेशंस. और जब हम रिग्रेशन करते हैं तो हम ये मान के चलते हैं कि एक बहुत महत्वपूर्ण, बहुत शक्तिशाली उपकरण है स्टैटिस्टिकल इन्फरेंस के लिए. मतलब हम कुछ इन्फरेंस निकाल सकें, हम कुछ भविष्यवाणी कर सकें, हम कुछ प्रिडिक्ट कर सकें, ताकि हम कुछ फ्यूचर आउटकम पास्ट ऑब्जर्वेशन के हिसाब से प्रिडिक्ट कर सकते हैं अगर हम रिग्रेशन एनालिसिस लगाएंगे तो. इसीलिए रिग्रेशन के साथ हमेशा प्रिडिक्शन जोड़ा जाता है, मतलब रिग्रेशन एंड प्रिडिक्शन, क्योंकि रिग्रेशन में अपने आप क्या है, किसी ना किसी घटना का प्रिडिक्शन ही है, इसीलिए दोनों टर्म आपस में एक साथ चलते हैं. और रिग्रेशन क्या करता है, अलाउ करता है रिसर्चर को टू प्रिडिक्ट और एक्सप्लेन द वेरिएशन इन वन वेरिएबल बेस्ड ऑन अनदर वेरिएबल. यानी कि ये जो रिग्रेशन एनालिसिस है, ये जो अनुसंधान करता है उसको ये अनुमति देती है कि वो एक चर में होने वाले परिवर्तन के आधार पर दूसरे चर में क्या परिवर्तन आएगा इसकी व्याख्या कर सके या इसकी पहले से भविष्यवाणी कर सके. इसीलिए रिग्रेशन एंड प्रिडिक्शन है. और इसके कुछ खास गुण क्या हैं कि रिग्रेशन जो है वो स्टैटिस्टिकल टेक्निक है दैट रिलेट्स अ डिपेंडेंट वेरिएबल टू वन और मोर इंडिपेंडेंट वेरिएबल. यानी कि ये इस तरीके की तकनीकी प्रविधि है, सांख्यिकीय प्रविधि है, जो ये हमको रिलेट करके बताती है कि एक परतंत्र चर से कितने स्वतंत्र चर जुड़े हुए हैं. ए रिग्रेशन मॉडल इज एबल टू शो वेदर चेंजेस ऑब्जर्व इन द डिपेंडेंट वेरिएबल आर एसोसिएटेड विद चेंजेस इन वन और मोर ऑफ द एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल. हमको ये भी रिग्रेशन मॉडल बता सकता है कि जो हमको अंतर दिखाई दे रहा है डिपेंडेंट वेरिएबल में वो कितने इंडिपेंडेंट वेरिएबल में होने वाले चेंजेस से जुड़ा हुआ है, एसोसिएटेड है. It does this by essentially fitting a best fit line and seeing how the data is dispersed around this line. देखिए regression analysis में हमेशा line ऐसे बनती है, वो graph शायद इसमें नहीं है PPT में, मतलब straight line ऐसे बनती है और दोनों साइड उसके मतलब x एक्सिस पे आपने एक वेरिएबल ले लिया, y एक्सिस पे ले लिया, और जब इसको प्लॉट करेंगे तो सिंगल आपको स्ट्रेट लाइन ऐसे दिखाई, मतलब यूं ऐसे ऊपर की तरफ जाती हुई ऐसी स्ट्रेट लाइन दिखाई देती है. तो वो कह रहा है कि इसी से हमको पता चल जाता है कि हम प्रिडिक्शन कर पाते हैं कि अगर ये डेटा इतना है तो दूसरा कितना होगा. In order for regression results to be properly interpreted, several assumptions about the data and the model itself must hold. ठीक है. Why it is called regression? कह रहे हैं इसका नाम ही regression क्यों दिया गया? क्यों कुछ और नाम नहीं दिया गया? तो कह रहे हैं although there is some debate about the origins of the name, the statistical technique described above most likely was termed regression by Sir Francis Galton in the 19th century to describe the statistical feature of biological data. वो कह रहे हैं कि देखिए कितने पुराने पुराने लोग हैं, कितना उनका काम है, आज तक हम लोग उसको पढ़ते पढ़ाते हैं. सर फ्रांसिस गाल्टन का नाम बहुत बार आपने पढ़ा है. तो 19वीं शताब्दी में ये कुछ बायोलॉजिकल डेटा निकाल रहे थे, मतलब हाइट वेट का किसी का पॉपुलेशन में निकाल रहे थे. तो उन्होंने पाया कि जो स्टेटिस्टिकल फीचर होता है वो क्या होता है, रिग्रेस टू सम मीन लेवल. उसकी ये मतलब आप कह सकते हैं कि टेंडेंसी होती है कि वो औसत की तरफ आने की कोशिश करता है. इसका मतलब क्या है कि एनपीसी की ही तरह रिग्रेशन एनालिसिस में भी मैक्सिमम या जो एक्सट्रीम केसेस होते हैं वो क्या होते हैं, कम होते हैं, और जो मैक्सिमम लोग हैं वो एक मतलब मेजर एरिया कवर करते हैं. इसीलिए कहा जा सकता है कि इसकी प्रवृत्ति क्या होती है कि ये प्रतिगमन करे, पीछे की तरफ आए, रिग्रेस करे, है ना. वो कह रहे हैं इन अदर वर्ड्स व्हाइल देयर आर शॉर्टर एंड टॉलर पीपल ओनली आउटलियर्स आर वेरी टॉल और शॉर्ट एंड मोस्ट पीपल क्लस्टर समवेयर अराउंड टू द एवरेज. वो कह रहे हैं कि बहुत छोटे या बहुत लंबे लोग बहुत कम होते हैं और ज्यादातर लोग जो होते हैं वो लगभग औसत लंबाई के होते हैं. इसका मतलब कि जो ये डेटा है उसकी ये टेंडेंसी है कि वो रिग्रेस करने की कोशिश करता है, एवरेज की तरफ लौटने की कोशिश करता है.
ये रहा आपका रिग्रेशन एनालिसिस का इक्वेशन का की परिभाषा। जब हम लोग बीजगणित पढ़ते थे तो सबको पता होगा, अगर आपने जब कभी भी अपने कोर्स में पढ़ी होगी, एक सरल रेखा का समीकरण ये होता है y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। उसी तरह से y इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स दे रखा है, यहाँ x इज द वैल्यू ऑफ द एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल। आपसे इस पर आधारित सवाल नहीं पूछा जाएगा, सिर्फ ये आपको बताने के लिए कि ये सरल रेखा का समीकरण फॉलो करता है। y इसके ऊपर देखिए कैसे लगा है ना, तो उसको y हैट बोल रहे हैं। y हैट इज द प्रिडिक्टेड वैल्यू ऑफ द रिस्पॉन्स वेरिएबल फॉर ए गिवन वैल्यू ऑफ x, b इज द स्लोप और a इज द इंटरसेप्ट। ये आप तब जान पाएंगे जब ये सारे टर्मिनोलॉजी तब जानेंगे जब आप ग्राफ जाने, जब आप थोड़ा बहुत बीजगणित का आपको ज्ञान हो। तो इसलिए आपको इस पर आधारित सवाल नहीं लगाना है, जनरली आपसे इस पे कंसेप्चुअल सवाल पूछा जाएगा कि राइट शॉर्ट नोट्स ऑन रिग्रेशन, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय रिग्रेशन एनालिसिस, व्हेन विल बी रिग्रेशन एनालिसिस बी यूज्ड, व्हाट इज द पर्पस ऑफ रिग्रेशन या व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ रिग्रेशन इन स्टैटिस्टिक्स। तो सारे चीजों का उत्तर क्या है कि कोरिलेशन कोफिशिएंट जहां फेल हो जाता है बताने में कि कौन सा चर कारण है और कौन सा प्रभाव है, ये हमको रिग्रेशन और एनालिसिस में जाकर पूरी होती है हमारी ये कमी, जहां पे हमको पता चल जाता है कि कौन सा वेरिएबल डिपेंडेंट है और कौन सा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। और चूंकि इसकी समीकरण हमको पता है, तो जैसे जैसे आप किसी अननोन इंडिपेंडेंट वेरिएबल के लिए डिपेंडेंट वेरिएबल का मान जान सकते हैं कि अच्छा, अगर चूंकि समीकरण में हम रख देंगे और हम बता देंगे कि अगर इंडिपेंडेंट वेरिएबल इतना है तो डिपेंडेंट वेरिएबल का मान ये आएगा। तो चूंकि आप पहले से बता पा रहे हैं, इसलिए कहा जा सकता है कि आप इन्फरेंस निकाल पा रहे हैं, आप कुछ एक अनुमान लगा पा रहे हैं, आप एक भविष्यवाणी कर पा रहे हैं। ठीक है, तो ये हुआ रिग्रेशन एंड प्रिडिक्शन, और अब जाके ये कोरिलेशन यहाँ पे आके खत्म होता है, यानी कि कोरिलेशन जहाँ खत्म हो जाता है हमारा रिग्रेशन शुरू होता है। और इस तरह से सारे टॉपिक इस यूनिट के मैंने आपसे शेयर कर लिए हैं। निश्चित रूप से ये बहुत लेंदी है, जिसको मैथमेटिक्स के बारे में जो डरता है मैथमेटिक्स से, जिसको सवालों से डर लगता है, इक्वेशन से डर लगता है, उसके लिए बहुत बहुत लेंदी है। लेकिन उसको भी आप अपना सकते हैं, आप समझ सकते हैं, कोई ऐसा मुश्किल नहीं है। सिर्फ आपको कंसेप्ट समझते हुए चलना है, 2-4-6 बार आपको दोहराना है, आप इसके फॉर्मूले कई बार लिख लिख के याद कर लीजिए, कुछ फॉर्मूलों पर आधारित सवाल लगा लीजिए और ध्यान से करिए तो सही उत्तर आएगा। तो निश्चित रूप से आपको मोटिवेशन मिलेगा कि आप भी कोई न्यूमेरिकल लगाकर सही उसका उत्तर निकाल सकते हैं। और अगर आपने ऐसा कर लिया तो ये पेपर आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा, क्योंकि इसमें बहुत सारी थ्योरी तो रटनी नहीं है, ये भी तो देखना पड़ेगा ना आपको बाकी पेपर में कितने कितने बाकी सिलेबस में, मतलब बाकी पेपर्स में कितना सारा सिलेबस है, इतनी सारी थ्योरी याद करते हैं आप, क्या क्या याद करते हैं। इसमें आपको छोटे छोटे फॉर्मूले याद करने हैं और कंसेप्ट समझना है, और ये देखना है कि इन फॉर्मूलों को कैसे यूज करना है और सही गणित लगानी है ताकि सही उत्तर आ सके। ओके, सो थैंक यू एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल एक्सप्लोर एजुकेशन। आई हैव कवर्ड रिग्रेशन एंड प्रिडिक्शन एनालिसिस, रिग्रेशन एनालिसिस एंड प्रिडिक्शन इन दिस वीडियो। सो join my Telegram group too. I have done from it.